Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of AchieveIS. So here, today is 5th June, Friday, and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. Okay, so the first news is India-China dialogue to focus on three areas. India or China, jo hai, wo unka jo vartalap hai, wo based hoga teen particular areas par. Okay, Lieutenant Generals to meet to aim to at return to pre May 5th position. May 5th से पहले की position में आने के लिए जो है lieutenants और generals के बीच में ये meeting हुई है और ये वार्तालाप हुई है कि हम जल्द से जल्द जो है वापस normalize करने की कोशिश करेंगे. It means कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दोनों countries के बीच में जो border tension चल रही है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. चाइना और इंडिया दोनों ही कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि हम अपने अपने ट्रूप्स को अपने अपने प्लेसेस पर वापस भेजेंगे और धीरे धीरे वो जो है अपने जो ट्रूप्स हैं दूसरे दोनों कंट्रीज़ के वो अपने अपने एरियाज़ में वापस जाने की तैयारी में है. सो हम ये कह सकते हैं कि जो टेंशन चाइना और इंडिया के बीच चल रही है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने की उम्मीद है. ठीक है, सो और पॉजिटिवली सॉल्व होने की उम्मीद है. ठीक है, सो दे आर द फोकस ऑफ द टॉक्स. उनके बीच की जो फोकस उनके बातचीत का जो मेन सेंट्रिक पॉइंट था वो था गलवाना एरिया. ठीक है, गलवाना एरिया बेसिकली वो एरिया है या हम कह सकते हैं पेंगोंग सो या गोगरा, ये तीन एरियाज जो है मेन एरियाज हैं. The agenda will focus on the recent use of force. Recently force को कैसे use किया जा सकता है, कैसे use आएंगे, getting back the positions. और उनका ये कहना है कि हम अभी अपनी forces को जो है वापस अपने अपने positions पे लेके जाएंगे, अपने अपने troops को जो है अपने अपने areas में लेके जाएंगे. Even the induction of the troops of China and defense source said, ऐसा कहना है डिफेंस सोर्सेज का कि हम नॉर्मलाइज करने के लिए वापस हम चाहते हैं कि 5th मई से पहले की पोजीशन आए. उस एम को जो है फुलफ़िल करने के लिए हम अपने अपने ट्रूप्स को अपने अपने जो सोल्जर्स हैं उनसे कहेंगे कि वो अपने अपने एरिया में वापस आ जाए और टेंशन कहीं ना कहीं जो है वो रिलीज़ होने के चांस है कि इस वीकेंड के एंड होने तक जो है टेंशन इस ये जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएगी. ओके, द नेक्स्ट इज़ न्यू सोप्स ऑफ होटल्स एंड मॉल्स. सोप्स इट मीन्स एस ओ पी, स्टैंडर्ड operating procedures. Okay, so it is SOPs. A systematic staff guests will be allowed. अब देखिए नई गाइडलाइन जारी की गई है होटल्स और मॉल्स के लिए कि कैसे जो है इनको किस तरीके से खोला जाएगा, कैसे जो है कंटेनमेंट जोन में अभी भी ये क्लोज रहेंगे लेकिन जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे इन्हें किस तरीके से खोला जाएगा, क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाएगी. ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा थर्सडे को इशू कर दिया गया है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू SOPs ही इन्हें ओपन किया जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बेसिस पर ही इन्हें ओपन किया जाएगा. ठीक है, इंडिया ने करीब 7,300 न्यू COVID-19 केसेस को रिकॉर्ड किया है जो कि एवरेज है 28th मई से लगा के 3rd जून के बीच का और 4th हाईएस्ट नेशन में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. द फर्स्ट वन इज़ ब्राज़ील, द सेकेंड वन इज़ US, द थर्ड वन इज़ रशिया एंड 4th वन इज़ इंडिया. तो हम लोग जो है बहुत करीब हैं टॉप पे आने में, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम प्रॉपर अपने सिस्टमैटिक वे में गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलें. इवन होटल्स और मॉल्स जो सबसे ज़्यादा गैदरिंग वाले एरियाज़ हैं, रश्ड एरियाज़ रहते हैं, तो इन एरियाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें और अगर जा भी रहे हैं इन एरियाज़ में आप तो अपनी प्रॉपर सिक्योरिटी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड अदर जो है सो जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें. ओके, द नेक्स्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इंटरेस्ट ड्यूरिंग मॉरिटोरियम. सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेश्चन द RBI रेगुलेटरी पैकेज. RBI रेगुलेटरी पैकेज पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किया है सुप्रीम कोर्ट में. एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स आफ्टर द 3 months moratorium during the pandemic lockdown is lifted.
3 months तक पेंडेमिक के चलते जो लोन्स पर जो इंटरेस्ट है उसे जो रिलैक्सेशन दिया गया था उसे रिवाइज करने का, उसे कंटिन्यू करने का जो है करने के बारे में चर्चा की गई है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क किया है आरबीआई से. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट आरबीआई एंड सुप्रीम कोर्ट. द नेक्स्ट इज़ 26 लाख माइग्रेंट्स इन हाफ वे हाउसेज. ऑफिशियल डेटा बताता है कि करीब 26 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घर के रास्ते की ओर हैं, और 10% जो है उन्हें रिलीफ कैंप प्रोवाइड हो रहे हैं, शेल्टर्स प्रोवाइड हो रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी 43% ऐसे हैं जो इधर उधर जो है वर्क प्लेसेस पर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, एंड 46% ऐसे हैं जो अभी भी काफ़ी मुसीबत का दौर सफ़र कर रहे हैं, है ना. तो देखिए बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, बहुत सारे माइग्रेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिन पे स्पेशली जहाँ तक मुझे लगता है केंद्र सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है और कर चुकी है, लेकिन अब ज़रूरत है राज्य सरकारों को अपने अपने स्तर पर कार्य करने की और अपने स्तर पर इन मुद्दों को सुलझाने की. ठीक है, द नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंट्रल स्टेट्स टू डिवाइस कॉमन पास सिस्टम फॉर NCR. सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उन्होंने सेंटर और स्टेट से इस बारे में बात की है कि एक कॉमन पास सिस्टम जारी किया जाए NCRs के लिए. ओके, सो व्हाट इट इज़, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को जो है सेंटर में मीटिंग रखी थी दिल्ली, जिसमें उन्होंने दिल्ली, उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों के ऑफिशियल्स को कॉमन यूनिफॉर्म पास सिस्टम जारी करने की जो है सजेशन दिया है, ऑर्डर दिया है आईकेएनसी, और इसके थ्रू NCR, अच्छा ये NCR के लिए ही, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए जो है जारी किया जाएगा, और ये सिर्फ पेंडेमिक के दौर के लिए लागू होगा. ठीक है, नथिंग सॉरी नोटिंग दैट दी कॉमन मैन शुड नॉट सफ़र अ बेंच लेड बाय जस्टिस अशोक भूषण सेट द सेंटर एंड द 3 states शुड मीट एंड डिसाइड इन अ वीक ऑन अ कॉमन पास सिस्टम. ये कहना है हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिन्होंने लीड की थी, जस्टिस अशोक भूषण जी, उनका कहना है कि सेंटर और तीनों स्टेट्स को मिलकर हफ्ते भर के अंदर ये डिसाइड करना है कि वो कैसे जो है इस पास को जारी करेंगे जिससे कि आम आदमी सफ़र ना करे. ठीक है, इसके चलते MHA गाइडलाइंस के तहत इसे जारी करने की बात की गई है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कट प्राइजेस क्लियर बिल्डिंग स्टॉक. देखिए आपको पता होगा पेंडेमिक के दौर में काफ़ी जो है लैंड प्राइजेस जो है ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके हैं, और नई बिल्डिंग अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बिल्डिंग्स जो है वो बन रही हैं, बट अब ये कंडीशन हो गई है कि लैंड प्राइजेस कम होने के कारण करीब करीब सारे लोग जो हैं वो अपना जो है बिल्डिंग फ्लैट ले लीजिए या लैंड ले लीजिए परचेज कर चुके हैं, तो अब जो है आउट ऑफ स्टॉक हो रही है बिल्डिंग्स. सो बेसिकली ये कहना है गोयल का, कॉमर्स मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अब हमें जल्दी से सुधार लाने की ज़रूरत है सिचुएशन में, वरना बेसिकली कंडीशंस और वर्स जा सकती है. और ये जो सिचुएशन है इस मामले में उन्होंने बात की है बिल्डिंग्स की, है ना, बिल्डर्स की, और बिल्डिंग्स की बिल्डर्स से कहा है कि वो कट प्राइस एंड आस्क्ड बिल्डर्स टू कट प्राइस एंड क्लियर अनसोल्ड इन्वेंट्री बाय सेलिंग एट एनी प्राइस. किसी भी प्राइस में आप जो है अनसोल्ड इन्वेंट्री को सोल्ड आउट कीजिए और जो है नई बिल्डिंग्स बनाइए. ये बात कही गई है यूनियन रेलवे एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स पीयूष गोयल द्वारा. ठीक है, सेलिंग एट एनी प्राइस दैट दे गेट नाउ एज थिंग्स वर नॉट गोइंग इम्प्रूव इन अ हरी. उनका ये कहना है कि क्योंकि सिचुएशंस जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिकली और भी वर्स्ट कंडीशन देखने को मिले, तो उसे जो है सुधारने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, और उसके लिए बिल्डर्स से उन्होंने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी जो भी स्टॉक में अवेलेबिलिटी है उसे सेल आउट किया जाए और नई बिल्डिंग्स के लिए जो है नया जो इशू किया जाए, लागू किया जाए, है ना, तो मतलब कार्य शुरू किया जाए. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ SHO इन UP प्रोसीड्स इन कैवलकेट टू न्यू स्टेशन प्रॉम्प्टली सस्पेंडेड. बेसिकली हुआ क्या है, यूपी के अंदर SHO जो है वो थाने से उन्हें जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और उसी बेसिस पर उन्होंने
उस थाने पर चार्ज करने के लिए काफ़ी सारे ग्रुप के साथ में, हम कह सकते हैं बाइक पर जो है काफ़ी सारे मेंबर्स के साथ में, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को वायलेट करते हुए वहाँ पर जो है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे उन सबको लीड करते हुए पाए गए। तो ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वायलेट किया गया, रूल्स को वायलेट किया गया, तो इसके अगेंस्ट जो है कार्यवाही की गई है और SHO को जो है रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। ओके इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं होनी चाहिए जो कि सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य किसी भी तरह के नॉर्म्स या रूल्स को वायलेट करें। ओके द नेक्स्ट इज़ 2 फ्रेश चार्ज शीट्स फाइल्ड बाय पुलिस इन दिल्ली रायट मर्डर केस। राइट मर्डर केस के चक्कर में अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है राइट मर्डर केस, तो इसके चक्कर में जो है दिल्ली राइट्स जो हुए थे उसके अंदर मर्डर केसेस के चक्कर में 2 नई जो है चार्जशीट फाइल की गई है। ठीक है एंड हेयर वी हैव टू सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ हरियाणा गवर्नमेंट टू ओपन स्कूल्स फ्रॉम जुलाई। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जुलाई से जो है स्कूल ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो स्कूल्स ओपन होगी अपने प्रॉपर जो है गाइडलाइंस या प्रॉपर जो सीक्वेंस है या जो हम कह सकते हैं रूल्स या नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पर ही ओपन होगी, है ना। So these schools are going to be open in Haryana and with proper guideline, ये कहना है वहाँ की सरकार का। ठीक है buses started plying on interstate routes from Wednesday से already जो है buses start हो जाएंगी या हो गई हैं almost, और जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी movement हरियाणा में already देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपके picture में भी देख सकते हैं कि काफ़ी traffic already जो है देखने को मिल रहा है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का है ये। सो बेसिकली हम कह सकते हैं नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जा रही है और अपने अपने स्तर पर हर राज्य की सरकार जो है अपने राज्य को नॉर्मलसी की तरफ ले जाने की, कंटेनमेंट जोन से बाहर ला करके एक नॉर्मल लाइफ से प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है द नेक्स्ट न्यूज़ इज एमिड कर्ब्स मुस्लिम्स अरेंज फॉर क्रिमेशन ऑफ पंडित नेबर। बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि COVID-19 के चलते जो फ्यूनरल है वो नहीं होगा और कंटेनमेंट जोन में मतलब फ्यूनरल के अंदर ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं एंड और फ्यूनरल जो है रेस्ट्रिक्टेड टू क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स, इवन क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स जो है वहाँ तक रेस्ट्रिक्ट किया गया है रेड जोन्स में फ्यूनरल्स को। तो उसके चलते एक ग्रुप ऑफ लोकल मुस्लिम्स जो है वो अपने पास ही नेबर जो पंडित है उसके उनके जो लास्ट टाइम में उनके राइट्स के लिए वहाँ पे सम्मिलित हुए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है ये न्यूज़ आपसे क्योंकि अब इस न्यूज़ में देखिए अभी तक जितनी भी न्यूज़ आती है या मोस्टली हम जितनी भी न्यूज़ देखते हैं सुनते हैं वो बेस्ड होती है हिंदू मुस्लिम रायट्स के बेसिस पे, मतलब दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आपस में इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, एनिमीज बन चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस तरह के केसेस जो हैं, इस तरह के जो घटनाएँ घटित होती है वो कहीं किसी स्तर पर जाकर हमें काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि हम इन सब चीज़ों से, दंगे फसाद से या हिंदू मुस्लिम से बाहर आ कर के एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं जो ह्यूमैनिटी बेस्ड हो। ठीक है सो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स रो ओवर PMC मूव टू स्क्रैप टाइप विथ PFI। Outfit was helping bury COVID-19 victims from minority groups. The Pune Municipal Corporation, that is PMC, is a Pune Municipal Corporation, decided to revoke its tie-up with social outfit Popular Front of India to bury COVID-19 victims from the minority community has evoked sharp condemnations from the PFI's Pune unit and Muslim and Ambedkar outfits. Okay, so here, yeah, it's not that much important, but okay, you should go for this. The next is MMRDA chief denies BJP claims, says no damage to hospitals. मैं आपको बता देती हूँ
कि साइक्लोन निसर्गा के बाद में ये अप्रोच करने के बाद में एक माइनर पॉलिटिकल स्टॉर्म देखने को मिला है ना। और ये जो है कोविड 19 हॉस्पिटल बिल्डिंग से कनेक्शन था मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर एंड रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इट मींस MMRDA जो है एट दी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स विथ सेवरल लीडर्स ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी एलिगिंग दैट दी हॉस्पिटल वॉज डैमेज इन द साइक्लोन। उनका ये कहना है बीजेपी के कुछ बीजेपी पार्टी से कुछ लीडर्स का ये कहना था कि हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी जो है साइक्लोन से हिट हुआ है, उनका ये दावा था। लेकिन उसके बाद में जब इसका जो निरीक्षण किया गया क्लैरिफाई कर दिया गया कि वहाँ किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। बीजेपी लीडर्स जो है डैमेज बता रहे थे और उसके बेसिस पर जो है फंडिंग की बात की जा रही थी, लेकिन इसे भी क्लियर कर दिया गया है कि वहाँ इस तरह का कोई डैमेज देखने को नहीं मिला है, ठीक है। द नेक्स्ट इज HC अलाउज अनमैरिड वुमेन टू टर्मिनेट 2-3 वीक प्रेगनेंसी। हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ किया है 23-year-old अनमैरिड वुमेन को कि वो 2-3 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है एंड ऑब्जर्व दैट कंटिन्यूइंग इट विल लीड टू अ रिस्क ऑफ ग्रेव फिजिकल एंड मेंटल इंजरी टू हर। अगर वो इसे कंटिन्यू करती हैं, इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं, तो ये उनके लिए एक फिजिकली या मेंटली जो है इंजरी क्रिएट कर सकता है बिकॉज शी इज़ अनमैरिड एंड इन दिस एज इफ़ शी इज़ अनमैरिड एंड गेटिंग प्रेगनेंट तो डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या फिजिकली और मेंटली जो है स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। सो इस लॉकडाउन के दौर में उनके लिए जो है ये स्पेशल जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत उन्हें परमिट किया है कि देखिए वैसे ऑलरेडी परमिटेड है 1971 एक्ट के तहत कि 20 वीक्स तक जो है कुछ पर्टिकुलर केसेस में जिसे कोर्ट डिसाइड करेगा उसी के तहत प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। सो हेयर इट इज़ द केस ऑफ हर एंड उसके तहत उन्हें जो है इस वुमेन को 23 वीक्स की प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड सॉरी 23 वीक्स की प्रेगनेंसी को वो टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। अब बेसिकली 20 हफ्ते का टाइम तो ऑलरेडी कोर्ट के इस एक्ट में इट मींस MTP एक्ट 1971 के तहत परमिट किया गया है बट शी इज़ हैविंग 23 वीक प्रेगनेंसी तो उसे भी जो है स्पेशल अलावेंस जो है हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है कि वो इसे टर्मिनेट कर सकती है और इससे क्योंकि उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जो है इंजरी है जो क्रिएट हो रही है तो ये अपने आप में जो है उनके जो पर्सन हैं जो गर्ल हैं तो उनके लिए थोड़ा सा जो रॉन्ग इम्पैक्ट होता है ना, इसी के लिए हाई कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एडिटोरियल सेक्शन। ओके वेल लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। अ चिल इन US चाइना रिलेशंस। US और चाइना के रिलेशंस के अंदर कहीं जो है एक ठंडापन देखने को मिला है या हम कह सकते हैं ठंड देखने को मिली है। बाइनरी चॉइस बिटवीन द US एंड चाइना इज़ लाइकली टू रेस्ट इंडियाज़ कैपेसिटी टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी। बेसिकली हुआ क्या है, देखिए US और चाइना के बीच में कोविड, उससे पहले भी काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे, उसके बाद कोविड 19 के बाद ये इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ गए और इन सब के चलते उनके रिलेशंस काफ़ी जो है डगमगाते नज़र आए। इवन पिछले दिनों जब ट्रंप द्वारा जो इंडिया और चाइना के बीच में जो इश्यू क्रिएट हुए हैं बॉर्डर इश्यूज़ उसे सॉर्ट आउट करने के लिए भी US ने जो है मीडिएट करने की डिमांड की थी बट उसे भी चाइना और इंडिया ने निग्लेक्ट कर दिया था। सो इन सबको देखते हुए काफ़ी इश्यूज़ कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गए थे लेकिन अब US और चाइना के बीच के रिलेशंस जो है काफ़ी नॉर्मलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो रिलेशंस हैं जो ऑलरेडी इंडिया और US के रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हम कह सकते हैं रिलायबल जो रिलेशंस क्रिएट हो चुके हैं। उस बेसिस पर इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे थे, है ना, क्योंकि ये देखिए US जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ की कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उस बेसिस पर चाइना जो है वो चाइना डेवलपिंग में आता है और डेफिनेटली चाइना का भी चाइना ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। इस बेसिस पर वो US से उनका काफ़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता था
और उसी बेसिस पर इवन अभी भी हमें काफ़ी स्तर पे जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में. और एज़ वेल एज़ जब से US और इंडिया के बीच के रिलेशंस काफ़ी हद तक जो सुधरे हैं, उस बेसिस पर हमें इंडिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं. सो अब जब चाइना और US के बीच में जब नॉर्मल से आने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वापस कंडीशंस नॉर्मल हों, तो उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच के रिलेशंस कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना और इंडिया और US दोनों के ही जो कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने में या उनकी जो है बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे. ठीक है, सो काफ़ी अच्छे जो है अच्छा हमारे लिए सूचक है, ये अच्छे संकेत है कि इंडिया जो है उसकी जो कैपेसिटी है मेंटेन करने की स्ट्रेटेजिक और डिसीजनल ऑटोनॉमी को, तो वो अपनाते हुए US और चाइना के बीच में काफ़ी जो है बाइनरी चॉइसेस जो है देखने को मिल रहे हैं, इवन काफ़ी पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कि भाई चाइना का क्या इशू है, क्यों ऐसे कॉम्प्लिसिट्स क्रिएट हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं चाइना और US के क्या इश्यूज अब तक देखे गए हैं और अब ऐसा क्या हुआ है कि जो नॉर्मलसी देखने को मिल रही है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट इज स्विस चीज़ and defense reforms. The holes in the three cheese slice comprising the defense setup must align for a nation to be prepared militarily. सो यहाँ पे स्विस चीज़ मॉडल की बात की गई. बेसिकली स्विस चीज़ मॉडल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ थ्री चीज़ स्लाइस. ओके, थ्री स्लाइस में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? पॉलिसी मेकिंग अपेरेंट्स जैसे कि DMA डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. उसके अलावा दूसरा जो है वो R&D होता है और तीसरा होता है R&D जो कि इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री पर बेस्ड है. इसके अलावा थर्ड जो स्लाइस बताई गई वो सर्विसेज को बताया गया है. तो इन तीन सर्विसेज को, इन तीन जो स्लाइस है उनके डॉट्स को, उनके होल्स को एक अगर रो में रख दिया जाए, मतलब इस तरीके से मैनेज किया जाए कि इनके बीच की जो कड़ी है या इनके बीच का जो बैलेंस है उसे बनाने की कोशिश की जाए, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे रिफॉर्म्स क्रिएट कर सकता है. ठीक है, और मिलिट्रीली या डिफेंस बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये कंट्री को एक और भी अच्छे जो है स्टेज पर या अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकता है. तो इंडिया के लिए जो है बात की गई है मनमोहन बहादुर जी द्वारा कि ये जो मॉडल है स्विस मॉडल, उसे इंडिया द्वारा भी अपनाया जाए अगर, तो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म मिलिट्री या डिफेंस एरियाज में देखने को मिल सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट आर्टिकल. या इट इज़ स्काई रॉकेटिंग टेंशंस. देखिए, कहीं एक जगह अगर हम बात करें तो हमने अभी रिसेंटली आज ही के न्यूज़पेपर में US और चाइना के बीच के जो इश्यूज़ है कहीं उन्हें सॉल्व करते हुए देखा था, वहीं दूसरी तरफ टेंशन बढ़ती चली जा रही है. यहाँ हम देख सकते हैं कि US और चाइना जो हैं, जो उन्हें अपने आप में म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है ना. हाँ, कुछ इश्यूज़ में कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे कोल्ड वॉर, एक तरह का नया कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है. बेसिकली हुआ क्या है, US की गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न पास किया है कि वो चाइना जो है उससे पैसेंजर प्लेन्स को 16 जून से उसको रोक देगी, है ना. एंड इज़ बट अनादर इंस्टेंस ऑफ rising tensions between the two countries. तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट करने के लिए. ये एक ट्रेड वॉर है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था ऑलरेडी. ट्रेड वॉर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था 2018 में, इज़ येट टू बी रिजॉल्व फुल्ली. अब उसे फुल्ली रिजॉल्व किए जाने की ज़रूरत है. In recent months, Mr. Trump and other officials in the administration had attacked China over its handling of the COVID-19 pandemic. देखिए, बहुत अभी जो recently जितने भी मुद्दे उठे हैं, जितना भी talks हुए या जितने भी issues create हुए हैं, उन सभी में US द्वारा जो है China पर ये आरोप लगाया गया है कि China ने COVID-19 को इजाद किया है, intentionally किया गया है ये, और जिसका भुगतान हम सभी लोग कर रहे हैं, हम सभी countries कर रही है ना. तो इस तरह के ब्लेम्स
ऑलरेडी चाइना पर यूएस द्वारा लगाए गए हैं पिछले काफ़ी दिनों में। ये यूएस हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकॉन्ग स्पेशल ट्रेड स्टेटस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजिंग्स मूवमेंट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए नए सिक्योरिटी जो है नेशनल सिक्योरिटी लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है बीजिंग द्वारा। तो अपने जो है ट्रेड स्टेटस को प्रोटेस्ट जो है हांगकॉन्ग के स्पेशल जो ट्रेड स्टेटस है उसे प्रोटेस्ट किया गया है बीजिंग के अगेंस्ट। और ये जो डिसीज़न है ये यूएस द्वारा लिया गया है कि वो हांगकॉन्ग के साथ में स्पेशल ट्रेड स्टेटस को जो है यहीं पे ख़त्म कर देगा। ठीक है, रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना बाय वॉशिंगटन एंड बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूवमेंट्स और मूव्स मेक इट लुक लाइक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कोल्ड वॉर। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस आर्टिकल के बारे में तो देखिए ऑलरेडी कोविड 19 से रिलेटेड काफ़ी सारे टेंशन्स और इश्यूज हर तरह की कंट्रीज़ में, हर तरह की सिचुएशंस में, हर कंट्रीज़ में। अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर बात करें या अदर कंट्रीज़ के साथ में उसके रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑलरेडी बहुत सारे इशूज़ जो है हमें काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल रहे हैं। और चाइना के तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें जो है लीड कर रहा है यूएस। यूएस और चाइना के बीच में करीब देखिए दोनों ही काफ़ी डेवलप्ड हम कह सकते हैं काफ़ी साउंड कंट्रीज़ के बीच में आती है, काफ़ी पावरफुल नेशंस में आते हैं। तो उस दौर के अंदर उस सिचुएशन में जहां दोनों ही पावरफुल नेशन है उनके बीच में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अपने आप में टेंशन क्रिएट करने वाले होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो जो है पैसेंजर प्लेन्स जो है चाइना के 16 जून से जो है उसे जो उन पर बार किया जाएगा उन्हें। तो ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में एक जो रिलेशंस को ख़राब करने के लिए पर्याप्त है। इस तरह की डिसीजंस या इस तरह के स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं और एक नए तरह का कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है ना। और ये कहीं ट्रेड वॉर या अन्य किसी तरह के वॉर में तब्दील ना हो जाए उससे पहले ज़रूरत है कि इन दोनों कंट्रीज़ को आपस में समझ के साथ में म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करने की और नए रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की। देखिए जब तक आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली यू विल नॉट गेट दी बेटर रिजल्ट्स। और अगर आप ट्रस्ट कर लेते हैं तो आप एक बेटर रिजल्ट गेन कर सकते हैं। सो हेयर द सेम थिंग इज हैपनिंग। काफ़ी सारे इश्यूज ऑलरेडी यूएस और चाइना के बीच चल रहे थे और उसी बीच में कोविड-19 का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू था। और कोविड-19 के आने के साथ ही इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस भी ख़राब हो गए है ना। तो अब देखिए ट्रेड रिलेशंस कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के बीच में भी इफ़ेक्ट हुए हैं, इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन हमने उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है ओके अपने स्तर पे। तो यूएस द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट्स देना भी अपने आप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है यूएस का चाइना के सामने। और दोनों ही क्योंकि पावरफुल नेशंस में आते हैं तो दे शुड हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड दे शुड गो थ्रू ऑल टुगेदर जिससे कि अच्छा दोनों अगर साथ में चलते हैं दोनों म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ लॉयल्टी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छे जो है अच्छे एटमोसफेयर को क्रिएट करने इवन हमारे लिए इंडिया के लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर सकता है या प्रॉफिटेबिलिटी का साइन क्रिएट कर सकता है ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट नए तरह का जो ये एक न्यू कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है हमें यूएस और चाइना के बीच और जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं चाइना और अन्य कई देशों के बीच में इवन इंडिया के बीच भी। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर रिजॉल्व कर दिया जाए और एक नए जो है एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश की जाए तो इस होने वाले शीत युद्ध से बचा जा सकता है ठीक है। तो ये जो टेंशन्स कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है उसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और ये ज़रूरत है दोनों देशों को अपने आप में इस मैटर को सॉल्व करने की क्योंकि ये काम कोई बाहर का नहीं कर सकता। इन देशों को खुद से ये चीज़ समझनी होगी कि कैसे उन्हें खुद के रिलेशंस को रिबिल्ड करना है ठीक है। द नेक्स्ट इज़ किलिंग गजा। ये जो है ये दिया गया है उस आर्टिकल के बारे में बेसिकली काफ़ी इंडिया वाइड काफ़ी फेमस हुआ है सोशल मीडिया पर कि केरला के अंदर जो है एक एलिफेंट को गजा जो है वो बेसिकली एलिफेंट के लिए यूज़ लिया गया। हिंदी वर्ड है ये एलिफेंट का।
तो वो उस गज को मतलब एलिफेंट को पाइनएप्पल के अंदर, पाइनएप्पल का जो आउटर लेयर थी उसके अंदर जो है ऐसे एलिमेंट्स जो है जो हम कह सकते हैं समथिंग लाइक क्रैकर्स एंड फिल करके और उसे खिला दिए गए, जिससे कि उसमें जो है ब्लास्ट हुआ उसके मुंह के अंदर और वो उसकी डेथ हो गई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द स्पेशल थिंग वॉज कि वो एलिफेंट प्रेग्नेंट थी, है ना। तो ये बड़ा ही पेनफुल इंसिडेंट था और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं ये हमारे कल्चर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर देने वाला था। और काफ़ी सोशल मीडिया पर ले लीजिए आप, हर तरीके की जो है मीडिया पर ले लीजिए, सोशल मीडिया का हर वे जो है वो इसी एक से पॉइंट को लेकर सेंट्रिक जो है काफ़ी वाइड स्प्रेड हुआ है ये इशू। और इस इशू के कारण ह्यूमैनिटी को जो है उस पर एक क्वेश्चन मार्क आकर खड़ा हो गया है, उस पर एक हम कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि क्या ये है ह्यूमैनिटी, या क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी को भूल चुके हैं, क्या हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं, भारत के उस कल्चर को भूल चुके हैं जो एक मरते हुए जानवर या इंसान इवन छोटे से छोटे इंसेक्ट्स को भी बचाने की कोशिश की जाती है, क्या हम उन सब चीज़ों को भूल कर एक ऐसे कल्चर में एंटर कर चुके हैं जहाँ हम कंटिन्यूसली जो है हार्म कर रहे हैं अदर एनिमल्स को, अदर ह्यूमंस को। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हमारे देश में क्रिएट हो रही है और हमारी जो इंडिया के अंदर जो सिचुएशंस या न्यूज़ में जो हम डेली बेसिस पे इस तरह के जो हम कह सकते हैं इनह्यूमन जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो ये जो है ये हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर पर क्या इम्पैक्ट डालती है, या क्या इमेज हमारे कल्चर की वर्ल्ड वाइड क्रिएट कर रही है, उससे क्वेश्चन मार्क किया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, सो ये हमारी ज़रूरत है, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की ज़रूरत है, ये हमारे एक एक नागरिक की ज़रूरत है कि वो हमारे देश की जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना होने दे और एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हुए ट्रस्ट क्रिएट करे और ह्यूमैनिटी को शो करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, सो ये सारा आर्टिकल जो भी हमने डिस्कस किया आज वो सारे बेस्ड थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। और आज काफ़ी देखिए क्योंकि मैंने पहले प्रिपेयर नहीं किया था इन सब चीज़ों के लिए, तो अपने आप में ये जो है मैंने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं रिसेंटली किए हैं और फ्रिक्वेंटली किए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ फंबल हुआ है तो जस्ट मैनेज इट, क्योंकि डेफिनेटली आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट इट। बट स्टिल काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और बस इतने ही आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, यूएस चाइना रिलेशंस जो है उसके बारे में जो भी इश्यूज़ जो ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसे आप पढ़िएगा ज़रूर, और इस पर आंसर राइटिंग की कोशिश ज़रूर कीजिएगा अपने लेवल पर, अपने स्तर पर इसे पढ़ के समझ के और फिर आंसर राइटिंग की कोशिश कीजिएगा यूएस चाइना रिलेशंस पर। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।